नमस्कार, न्यूज़पर बिहार में आप सभी का स्वागत है। यदि युवा ठान ले तो कुछ भी नहीं है मुश्किल। हुसैनगंज प्रखंड के खानपुर खेराडी गांव के युवा सेवा समिति के कुछ लोगों ने स्वच्छता अभियान के तहत अपने अपने हाथों में झाड़ू कुदाल उठाकर सफाई में जुट गए। यादव मोहल्ला होते हुए पूरे गाँव का साफ सफाई किया गया। इन लोगों का कहना है कि यह गाँव खुद पंचायत है, फिर भी इस गाँव का विकास नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं, इस रोड के लिए कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान इस पर नहीं जाता है। इसी डर से युवा सेवा समिति के लोगों ने खुद झाड़ू कुदाल उठा करके पूरे गांव की सफाई किए, ताकि यहां पे बहुत सारे कीड़े उत्पन्न हो गए हैं बरसात के पानी से। साफ सफाई में मुख्य रूप से समाजसेवी कुंदन यादव, सनी यादव, दिलीप यादव, अमित यादव समेत तमाम युवागण उपस्थित थे। कल कलश यात्रा निकलने वाला है, इसी को लेकर सफाई अभियान चलाया गया। हमारे गांव में कल दुर्गा पूजा का कलश यात्रा निकलने वाला है, और यहां पर बारिश के कारण काफ़ी बारिश रोड पर लगा हुआ है, जो कि रोड को बनवाया गया है, लेकिन इस तरह ऐसे बनवाया गया है कि वहां पे पूरा पानी लग गया है। वहां पे इतना कचरा लग गया है कि दो तीन गाड़ी वाले वहां पे, साइकिल वाले गिर गए, एक बूढ़ी औरत गिर गई, उसका पैर टूट गया है, जो कि हम हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती करवाए हैं। और समझ लीजिए कि हमारे बगल में ये इतना डेंजर हो गया है, यहाँ पे मुखिया, सरपंच, BDC या BDO किसी का भी, इधर चाहे विधायक हो, किसी का भी यहाँ पे नज़र नहीं है। जो कि हमारा खानपुर खराटी गांव ये पंचायत है, पंचायत भवन को जाके देखिए, काफ़ी टूट गया है। वहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे ईंट भी आपको नहीं मिलेगा, किसी तरह उसको रखा गया है। देखिए, कल कलश यात्रा निकलना ही है, उसमें काफ़ी लगभग 2-3 हज़ार तादाद में औरतें होंगी, उन लोग को काफ़ी मतलब परेशानी होगा। हम लोग सुबह में कचरा साफ कर रहे थे, तो उसमें अनेकों प्रकार के कीटाणु हम लोग देखे, बड़े बड़े कीड़े देखे, जो कि हमारा खुद तबीयत खराब हो गया है। आज 20 से 25 आदमी को लगाया काम में, ठीक है, साफ करवाया हूँ, लेकिन अगर बारिश फिर होती है तो फिर उसी तरह का परेशानी होगा। फिर लोग का काम, जो कि रात होने के कारण हम लोग काम बंद कर दिए हैं, फिर सुबह में हम लोग काम चालू करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी रोड पे कचरा हुआ है।